बिना मेन सूचना के, मुख्य सूचना के, मेन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे हुए भी आप लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज को या मुख्य सूचना को ट्रांसमिट करते हैं, किसमें? वायरलेस कम्युनिकेशन में। एंड नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल दोनों की जो गुण हैं अपने अंदर समाहित किए होते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का जो रिजल्टेंट होता है, वह रिजल्टेंट फैक्टर मेन इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज होता है और उसके द्वारा ही सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजी जाती है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है। वाई एक्सिस पे आप देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जेड एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है और इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज एक्स एक्सिस, वो हमें क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल वेव्स। ये देखिए टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल वेव है आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। ओके, बोथ दीज फील्ड्स आर आउट ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और इसका जो रिजल्टेंट होता निकल के आता है दैट इज ऑल्सो इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? वो भी इन दोनों फील्ड्स के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होती है हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ वाई वायरलेस कम्युनिकेशन, हम जब 19th सेंचुरी में ईजीली वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे थे तो हमें वायरलेस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इज मोबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या है? मोबिलिटी। आप वायरलेस कम्युनिकेशन जब बिना किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को माध्यम बनाए हुए एक जगह से दूसरी जगह किसी मुख्य सूचना को, किसी मेन मैसेज को जब ट्रांसमिट करते हैं, तो उस ट्रांसमिशन में अगर ट्रांसमिटर या रिसीवर दोनों में से कोई भी एक मोबाइल हो, मतलब अपनी जगह पे फिक्स ना हो, तो वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट करने पे डेटा लॉस होता है और कई बार ऐसा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होता। जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस तक भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सकता है प्लस, और ट्रांसमिटर और रिसीवर या तो कोई एक मोबाइल हो या दोनों मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव इन कंडीशन में, दोनों मूव कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो भी इंफॉर्मेशन बिना किसी लॉस के ट्रांसमिट की जा सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग ऑन मोबाइल, यू आर इन वन सिटी, योर फ्रेंड इज ऑन इन अनदर सिटी, वंस यू आर इन ट्रेन अगेन, देन यू आर इन कार एंड यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग विद ईच अदर, द पोजीशन ऑफ वन ऑफ यू इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। आप दोनों में से किसी एक की पोजीशन लगातार बदल रही है बट फिर भी आप दोनों आपस में लगातार बात कर रहे हैं बिना किसी सिग्नल ड्रॉप के, वो किससे पॉसिबल है? केवल और केवल वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। वायरलेस कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसके कार्य करने के लिए प्रयोग में बनाया गया जो भौतिक स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, वो बहुत सिंप्लीफाइड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जबकि वायर्ड में कई सारी तारों का समूह होने के कारण, कई सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का ग्रुप होने के कारण, वो
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। दूसरी चीज़, जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको कई चीज़ें लगाने होते हैं, जैसे हीट सिंक्स की भी आपको ज़रूरत होती है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को आपको टेम्परेचर से शील्ड भी प्रोवाइड करना होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। ओके, तो इन सब से सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रेज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव भी होता है, उसको इंस्टॉल करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन की तुलना में कॉस्टली भी होता है। सो द एडवांटेज, इन सब चीज़ों की वजह से हमने क्या करा, वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रेफर किया। तो अब एडवांटेजेस क्या हुए वायरलेस कम्युनिकेशन के? सबसे पहला कॉस्ट। वायर्ड में हमें कई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यूज़ करने होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में इस तरीके के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का, जो कि एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इन बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर, वो आवश्यक नहीं होते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में बहुत कम होती है। दूसरी, मोबिलिटी। वायर्ड सिस्टम को आप एक जगह से लेके दूसरी जगह नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंजेस देखे होंगे, आजकल तो केवल BSNL में अवेलेबल हैं, तो BSNL जो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके टेलीफोन एक्सचेंज को लेके आप एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना। दूसरी चीज़, उस वायर्ड कम्युनिकेशन में, उस वायर्ड टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड जो टेलीफोन्स हैं उनको भी आप लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते कि आप एक सिटी से लेके दूसरी सिटी तक उस वायर्ड फ़ोन को लेके जा सकें। इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मोबिलिटी इज़ द मेन फैक्टर कि वायर्ड कम्युनिकेशन में आप मोबाइल रह के ना तो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं और ना ही सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। वेयर एज इन वायरलेस कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसमिटर या रिसीवर दोनों में से कोई एक मोबाइल है या दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो भी सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव इजीली किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी वायर्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो उसको इंस्टॉल करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि लोडिंग इफेक्ट ना हो, उसके साथ जो रजिस्टर लगाए हैं आपने, जो अदर कंपोनेंट्स लगाए हैं आपने, उनकी पोलैरिटी ठीक हो, उनके कनेक्शंस ठीक हो, किसी का कनेक्शन भी लूज़ हुआ तो आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगा, हो सकता आपको आउटपुट मिले ही ना। तो ये सब चीज़ें सर्किट को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, उसके इंस्टॉलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में माध्यम के रूप में किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की आवश्यकता ना होने के कारण उसका इंस्टॉलेशन आसान है। रिलायबिलिटी। वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द वायर्ड। क्यों? क्योंकि वायर्ड में आप केबल्स और वायर्स यूज़ करते हो, जो कि बात